दोस्तों, अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपने कभी कभी नौकरी.com पर जॉब के लिए जरूर अप्लाई किया होगा। जी हाँ, नौकरी.com सालों से काम चाहने वालों और काम देने वालों के बीच की कड़ी बनी हुई है, जो कि देश के करोड़ों लोगों को नौकरी दिलवाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लोगों को नौकरी दिलवाने वाली इस कंपनी के मालिक के पास ना तो कोई काम था ना ही पैसे, यहाँ तक कि उन्हें दूसरों से उधार लेकर एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ा था। लेकिन एक छोटे से कमरे से निकलकर कैसे बनी नौकरी.com करोड़ों की कंपनी, कैसे मिली इस कंपनी को पहचान, चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नौकरी.com की कहानी की शुरुआत होती है संजीव बिगचंदानी से। इस कंपनी के फाउंडर संजीव बिगचंदानी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता गवर्नमेंट डॉक्टर तो वहीं माँ हाउसवाइफ थी। सिंधी होने के बाद भी इनके परिवार का बिजनेस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। वो अपने पिता के साथ गवर्नमेंट क्वार्टर में रहा करते थे। हालांकि संजीव को कभी भी अपने पिता की तरह नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। अपने परिवार से अलग संजीव का ये सपना था कि खुद का काम स्टार्ट करें। हालांकि संजीव को इस बात का कुछ भी नहीं पता था कि वो ये कैसे करने वाले थे, क्योंकि उनकी फैमिली कभी किसी बिजनेस से जुड़ी नहीं थी। लेकिन ये बात तय थी कि वो बिजनेस वैगन पर ही चढ़ना चाहते थे। अपने गोल पर फोकस करते हुए संजीव ने इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ अपना बैचलर पूरा किया और उसके बाद उन्होंने 1984 में एक कंपनी में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर ज्वाइन किया। जिसके बाद 1987 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से PGDM करने के बाद अहमदाबाद चले गए। बाद में उन्होंने 1989 में हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स में प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी ज्वाइन की। HHM को आज GlaxoSmithKline के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर उन्हें हॉर्लिक्स की मार्केटिंग संभालने का काम दिया गया था। वैसे तो ये वाली जॉब काफी अच्छी थी और कंपनी उन्हें उस वक्त 8,000 रुपए पर मंथ दिया करती थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा था। पर उन्हें ये सब काफी बोरिंग लग रहा था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के साथ काफी बोरिंग लग रहा था, क्या आते थे जिससे वो सेटिस्फाइड हो। इसीलिए बस एक साल नौकरी के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। संजीव के मुताबिक नौकरी छोड़ने के बाद के 10 साल उनके लिए बहुत मुश्किल थे। नौकरी छोड़ने के बाद जब संजीव की पत्नी ने उनके घर को संभाला था, इसके बाद 1990 में संजीव ने एक को-फाउंडर के साथ दो कंपनियां शुरू की, इंडमार्क और इन्फोएज। इंडमार्क कंपनी ट्रेडमार्क के डेटाबेस के बारे में थी, जबकि इन्फोएज सैलरी सर्विस के बारे में थी। अपनी कंपनी के शुरुआती दिनों में वो घर पर नौकर के क्वार्टर से काम करते थे और उस समय वो अपने पिता को महीने के किराए के तौर पर 800 रुपए देते थे। इन्फोएज में रहते हुए वो एंट्री लेवल के सैलरी सर्विस में काम करते थे, जैसे कि कौन सी कंपनियां एंट्री लेवल पर MBA और इंजीनियर्स की ऑफरिंग कर रही थी, उन सब की वो एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। वैसे लगभग 100-200 कंपनीज को 5,000 रुपए में बेचते थे और इंडमार्क में वो ट्रेडमार्क खोजा करते थे। जब ये कंपनी शुरू हुई तब सरकार ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट करने में 5 साल का टाइम लेती थी। यानी कि अगर हम किसी ऐसे ब्रांड के नाम के लिए अप्लाई करते हैं जिसके बारे में हमने सोचा हुआ है और उसे इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं, तो भी 5 साल तक सरकार इसे रिजेक्ट भी कर सकती है। अपनी दोनों कंपनी के अलावा संजीव वीकेंड्स में टाइम्स स्कूल ऑफ मार्केटिंग IMS कोचिंग क्लासेस जैसी जगहों पर अपना खर्च चलाने के लिए मैनेजमेंट की क्लासेस लिया करते थे और उस दौरान हर महीने 2,000 रुपए कमाते थे। इसके बाद साल 1991 में टेली कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स की जरूरत है, जिसका खुद का डेटाबेस हो और उसे मेंटेन कर सके। लगभग 30-40 लोगों के बीच से संजीव का इसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। बाद में साल 1993 में संजीव और उनके पार्टनर अलग हो गए और दोनों ने एक एक कंपनी को रखने का फैसला किया। ऐसे में संजीव को इन्फोएज कंपनी मिली। इस बंटवारे के बाद लगभग 3 साल तक संजीव नौकरों के ही क्वार्टर में रहे और अगले 3 सालों में उन्होंने कुछ पैसे भी कमाए। इस दौरान उन्होंने द पायनियर के करियर सप्लीमेंट एवेन्यूज में कंसल्टिंग एडिटर की जॉब की और लगभग 4 सालों तक अपने करियर सप्लीमेंट चलाए, जब तक भारत में इंटरनेट आना शुरू हो गया था। उस दौरान अक्टूबर 1996 में वो IT एशिया के एनुअल एग्जीबिशन में भाग लेने गए और उस दौरान वो WW लिखे एक स्टॉल पर गए और वहां पर जाकर इंटरनेट के बारे में जानकारी ली। वो स्टॉल वाला एक रिटेलर था जो कि VSNL ईमेल अकाउंट्स को रीसेल करता था। उस दौरान फैक्ट ये था कि सिर्फ 14,000 लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे। बस यहीं से उन्हें एक ब्रिलियंट आइडिया आया। दरअसल अपनी HHM की नौकरी के दौरान संजीव ने ये बात नोटिस की थी कि उनकी कंपनी के कलीग्स अपनी नई जॉब या फिर किसी भी जॉब एप्लीकेशन को
एक मैगजीन बिजनेस इंडिया की मदद से ढूंढा करते थे। ये एक 30 से 40 पेज की लीडिंग बिजनेस मैगजीन थी जिसे नौकरी ढूंढते वक्त पूरा पढ़ना पड़ता था। तब उन्हें एहसास हुआ कि लोगों के पास नौकरी के एडवर्टीजमेंट के लिए भी एक सिंगल सोर्स नहीं है। बस ये सब सोचते हुए संजीव ने अगले 10 मिनट में ये फैसला लिया कि अब वो भी एक वेबसाइट पर जॉब लिस्टिंग पोस्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने उस रिटेलर से पूछा कि क्या वो उनके लिए भी एक वेबसाइट बना देगा और उसके बारे में पूछा। लेकिन उस समय वहाँ मौजूद सभी सर्वर US बेस्ड थे और जिनकी भी वेबसाइट थी वो केवल वहीं पर डेवलप हो सकती थी। इसके बाद संजीव ने अपने US के एक दोस्त से सर्वर किराए पर लेने के लिए कहा और इस तरह से naukri.com की पहली नींव पड़ी। उस समय संजीव के पास अपने दोस्त को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए आगे जाकर गुडविल जेस्चर रूप में संजीव ने अपने दोस्त को naukri.com में 5% की हिस्सेदारी दी। अब जब कंपनी की शुरुआत हो गई तो उन्होंने सोचा कि डेटाबेस आइडिया को फिर से इस्तेमाल किया जाए। उस दौरान 1990 के दशक के बीच में देश में मंदी चल रही थी और ऐसे में लोगों तक पहुंचने का सही समय था। इसके लिए टीम ने डेटाबेस बनाने के लिए 29 अखबारों को खंगालना शुरू किया और 1997 में उन्होंने अलग अलग मैगजीन से लिए गए 1000 एडवर्टीजमेंट इकट्ठे किए और फिर अपने एक दोस्त की मदद से अपनी वेबसाइट naukri.com को लॉन्च किया। जब ये वेबसाइट शुरू की गई तब शुरुआत में लोगों के पास इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन इसी दौरान भारत में पत्रकारों ने भी इंटरनेट के बारे में लिखना शुरू कर दिया था और ऐसे में इस वेबसाइट के बारे में कवरेज किया गया, जिस कारण इस वेबसाइट की खुद की मार्केटिंग हो गई। इसके बाद साल 2004 में कंपनी ने 45 करोड़ रुपए कमाए और एडवर्टीजमेंट से कुल प्रॉफिट 8.4 करोड़ रुपए कमाया। इसके बाद साल 2006 में बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली ये भारत की पहली .com कंपनी बन गई। 2012 में इस कंपनी ने मोबाइल की दुनिया में एंट्री ली और ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड और आईफोन जैसे डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया अपना पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस चेंज के कारण आज आधे से ज्यादा ट्रैफिक अब मोबाइल ऐप्स और मोबाइल साइटों के जरिए होता है और आज लगभग 37 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड नौकरी चाहने वालों के डेटाबेस के साथ naukri.com ऑनलाइन जॉब मार्केट ट्रैफिक शेयर का लगभग 70% मार्केट कंट्रोल करता है। आज के टाइम में इस कंपनी का टर्नओवर 900 करोड़ के पार हो चुका है और इसके ऑफिस 50 से ज्यादा शहरों में जहां पर 5000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके अलावा InfoEdge, naukri.com की पेरेंट कंपनी, jeevansathi.com, 99acres.com, bridge.com, naukrigulf.com, shiksha.com, quadrangle और firstnaukri.com जैसी वेबसाइटों के भी मालिक हैं। तो दोस्तों, इस तरह से शुरू हुई देशों के करोड़ों लोगों को रोजगार दिलाने वाली कंपनी naukri.com। क्या आपने कभी इसके जरिए नौकरी ढूंढने की कोशिश की है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।